नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश पंचाल आप सभी दर्शक का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ कारपेंटर शैलेश पंचाल चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे चौरसी की धार कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, साथ में ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वुड वर्क के रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, चौरसी की धार लगाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, चौरसी की धार लगाने से पहले चौरसी के धार लगाने वाले पत्थर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो चौरसी की धार लगाने वाला पत्थर होता है वो एक तरफ से रफ होता है और इसकी अपोजिट साइड की तरफ से ये बिल्कुल पॉलिश होता है। तो जब हम चौरसी की धार लगाना शुरू करेंगे तो हमें रफ साइड से शुरू करना है, और रफ साइड में इस प्रकार से जैसे हम इसको चौरसी को धार लगाना शुरू करेंगे तो चौरसी को हमें इस प्रकार से रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहना है, और बीच में हमें इसमें पानी जो है वो डालते रहना है। तो जैसे ही आपकी चौरसी की धार लगना शुरू हो जाएगी और धार लग जाएगी तो यहाँ पे आप उंगली करेंगे तो यहाँ पे आपकी उंगली अटकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की धार पर खुरदरापन आने लगेगा। तो उस समय आपको जो ये पत्थर है उसको पॉलिश साइड में पलट लेना है और पानी इसके ऊपर लगातार डालते रहना है, और इसके बाद वापस आपको इसी प्रकार से इसको धार लगाते रहना है। थोड़ी देर के बाद आपको चार पांच बार इस तरफ में और चार पांच बार इस तरफ में इसको लगातार ऐसे पलटता रहना है, पांच बार इस तरफ और पांच बार इस तरफ। तो जैसे आप इसको लगातार पलट के घिसते रहेंगे तो इसमें जो इसका यहाँ पे जो खुरदुरापन है वो बिल्कुल मिट जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल धार जो है आपको साफ़ हो जाएगी। उस समय समझ लेना है कि आपकी चौरसी की धार बिल्कुल बन चुकी है। तो दोस्तों, चौरसी की धार लग चुकी है और इसकी सफाई आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।